हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो यूपी टीयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए कॉलेज रिव्यूज चल रहे हैं। चार कॉलेजों का रिव्यू ऑलरेडी हो रखा है इस चैनल पे। सबसे पहला जेएसएस नोएडा, उसके बाद एकेजीसी, काइट, गलगोटिया, चार कॉलेज हो चुके हैं। और चार कॉलेज के बाद बच्चों की डिमांड थी, कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट आए कि भैया प्लीज जीएल बजाज को भी रिव्यू कर दीजिए। तो आज आपके लिए आ चुका है, क्योंकि आप लोग कहो और हम ना करें रिव्यू, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जीएल बजाज का पूरा रिव्यू देखने वाले हैं। इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स देखेंगे, इस कॉलेज की कट ऑफ देखेंगे, कॉलेज के बारे में हम फीस देखेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, हर एक चीज, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, जिससे कि इस कॉलेज के बारे में जो भी आपके दिमाग में हो वो सारी की सारी चीज क्लियर हो जाए। तो ज्यादा ना बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश रहती है हर वीडियो के अंदर कि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो इस वीडियो में, तो कर लो। चलो स्टार्ट करें इस कॉलेज को। तो देखो, ये हमारा कॉलेज ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। दैट्स अ वेरी डिसेंट प्लेस, क्योंकि इस जगह बहुत ज्यादा कॉलेजेस है। तो ग्रेटर नोएडा में अगर आप आओगे तो माहौल अच्छा मिलेगा, हर एक दूसरे कॉलेज से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिलेगा, हर तरह के बच्चों से मिलने घुलने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छी जगह होने वाली है। एंड अगर बात करूं कि ये कॉलेज एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 2007 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये कॉलेज एक क्या है, प्राइवेट कॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज के रिव्यूज चल रहे हैं। ऑलरेडी हम गवर्नमेंट कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी प्राइवेट कॉलेज के दौर में ये कॉलेज आता है। एंड अगर हम इस कॉलेज का नेक्स्ट चीज चलें, दैट इज यार एडमिशन प्रोसेस, इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो इस कॉलेज में एडमिशन होते हैं हमारे यार जेईई मेंस की रैंक पे, ठीक है। जेईई मेंस की रैंक से आपके एडमिशन होंगे। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपको यूपी टीयू काउंसलिंग, ठीक है, किसकी, यूपी टीयू काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, जिसमें रजिस्ट्रेशन करके इस कॉलेज में आ सकते हो। लेकिन यूपी टीयू में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी इसकी चॉइस फिलिंग होगी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही नहीं होगी तो हो सकता है कि इस कॉलेज के अंदर भी अलॉटमेंट आ जाए आपकी रैंक पे, बट फिर भी अलॉटमेंट ना आ पाएगी। अब यूपी टीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए चॉइस फिलिंग। तो अगर आपको चॉइस फिलिंग सबसे बेस्ट करानी, यार वी हैव लॉन्च्ड अवर काउंसलिंग सपोर्ट। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आप लोगों की पूरी चॉइस फिलिंग का जिम्मा हम लोग लेने वाले हैं, पूरी चॉइस फिलिंग अच्छे से हो जाएगी। एंड जाकर के इसमें ऑलरेडी 220 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, और अभी इसका प्राइस 999 है। जैसे ही 250 बच्चे होंगे इसका प्राइस जो है बढ़ जाने वाला है। तो आप लोग किस चीज का वेट करो, ज्वाइन करो। आपने 12 साल अपने दिए हैं इस कॉलेज में पहुंचने के लिए, 2 साल इंजीनियरिंग का, जिस बच्चे ने ड्रॉप किया होगा 3 साल, और फिर जाकर के अगर आपका गलत डिसीजन हो जाएगा तो हो सकता है जो चीज मिल सकती थी वो नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जाके जल्दी से ज्वाइन करते हैं आगे, ठीक है, जिसको करना हो वो कर ले, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं रहा, ठीक है। अगर हम इस कॉलेज की फीस की बात करें तो टोटल फीस 5.5 लाख रुपए इसमें पड़ जाएगी, ठीक है। टोटल फीस इसकी 5.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपको पढ़ने वाली है। टोटल हर एक चीज, हर एक जो भी एनुअल चार्जेस, हर चीज मिला दिया ना, तो 5 से 5.5 लाख के बीच में आ जाएगा। एंड अगर आप लोग सोचते हैं उसके बाद की हॉस्टल्स क्या मिलेंगे इस कॉलेज में, तो यस, दे हैव प्रोवाइडेड अ हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स के अंदर आपको 3 सीटर अगर आप लेते हो तो 95,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको पड़ जाएगा पर ईयर का, ठीक है। इसमें आपका जो है मेस भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना, जो खाना पीना हर एक चार्ज जो है इंक्लूड होकर के मान लो 1 लाख रुपए यार एक सालाना पड़ जाएगा। अगर मान लो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, बाई चांस अगर हॉस्टल नहीं है, तो आसपास में आपको पीजी देखने को मिल जाएंगे, और पीजी के अंदर भी आपको जो है सबसे सस्ते में जाओगे तो 80,000 से लेकर के उस हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पीजी भी कंसिडर करके चल सकते हो, पीजी आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है, अगर हॉस्टल मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो फिर तो पीजी है ही। हॉस्टल के अंदर इनकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, हर एक चीज वेल मेंटेन्ड है, इशू देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हॉस्टल यहां पे हो गया। अब इस कॉलेज का मेन चीज पे आ जाते हैं, मेन जो फोकस्ड रहता है हर बच्चे का, दैट इज द कट ऑफ ऑफ द जीएल बजाज। जीएल बजाज में एडमिशन मिलेगा क्या? तो बिल्कुल बताऊंगा यार कि कैसे मिलेगा। पहले ब्रांचेस देख लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हमें इस कॉलेज में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे ब्रांचेस देखें तो यार हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, सीएससी है, सीएससी के साथ जो एआई एंड एमएल जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वो भी है इसकी स्पेशलाइजेशन। सीएस की जो स्पेशलाइजेशन जो डीएस के साथ है डेटा साइंस के साथ, उसी की जो स्पेशलाइजेशन है फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, एंड ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो सब्जेक्ट है वो भी एक सीएससी का ही पार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आईटी ब्रांच हो गया, उसके बाद
ECE हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी टेक ब्रांच। तो मैं आपको कहूंगा कि यहां से लेके यहां तक अगर आपको एडमिशंस मिलते हैं तो आप ले सकते हो इस कॉलेज में, मेरी तरफ से जो सजेशन रहेगा। इसके बाद जो है त्रिपली और मैकेनिकल, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस कॉलेज में लेने के लिए, ठीक है ना, ये मेरे तरफ से सजेशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये जितनी भी कट ऑफ लिखी है सारी जनरल रैंक है, ठीक है, जनरल की कट ऑफ है, ठीक है। और सबसे पहले जो मैंने ये लिखा है ये ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है, क्या है, ऑल इंडिया कोटा। इसके बाद जो मैंने लिखा है, मैं अभी समझाता हूं ऑल इंडिया कोटा क्या है, ये है होम स्टेट का, और ये वाला भी अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो यार, ऑल इंडिया कोटा का मतलब है कि मान लो जो कोई सा भी बच्चा है, जो मान लो दिल्ली से है, उसने ट्वेल्थ पास दिल्ली से किया, उसका डोमिसाइल मतलब यूपी से कुछ नाता ही नहीं है, ना पापा वापा कोई रहते हैं, तो यानी कि अगर यूपी में आपका कुछ भी मतलब नहीं है, ना डोमिसाइल है ना ट्वेल्थ पास किया, तो आप एक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के अंदर आ जाओगे, ठीक है। होम स्टेट कौन होगा, जिसका डोमिसाइल है यूपी का, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अपलोड करोगे, डोमिसाइल है या ट्वेल्थ पास किया यूपी से, बस दैट्स इट, ओके। तो देखो ऑल इंडिया में अगर सीएससी चाहिए तो 87,000 तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर बात करूं इसके नीचे सीएससी विथ एआई एंड एमएल तो 1,42,000, डीएस के साथ 1,74,000, 1,74,000, एआई 1,70,000, एआई एंड डीएस ओनली देखेंगे तो 2,75,000, आईटी 1,80,000 और ईसी भाई 5.5 लाख तक, यानी कि इस कॉलेज में लगभग हर बच्चे का हो जाएगा एडमिशन, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए होम स्टेट वालों की तो 1,73,000 तक सीएससी, उसके साथ एआई एंड एमएल 2,78,000, डीएस 2,95,000, एआई के साथ सीएससी इसमें 3,64,000, 3.5 लाख तक पे मिल रहा है, एआई एंड डीएस 7 लाख रैंक, यार क्या कहूं, आईटी जो है 3,83,000, यानी कि आपके 3.5 लाख के 4 लाख के अप्रोक्सीमेटली है ना सीएससी ब्रांचेस मिल जाएंगी, सीएससी की स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी इस कॉलेज में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होने वाला है। इसके बाद जो ये कट ऑफ है वो किन के लिए, दैट इज फॉर द एफडब्ल्यू सीट, फी वेवर की सीट है, यानी कि ये जो टोटल फीस है इसमें से हो सकता है 3-4 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपका ट्यूशन फीस हो, ठीक है। तो ट्यूशन फीस जो है आपकी पूरी, जितनी भी ट्यूशन फीस होगी वो पूरी माफ हो जाएगी, तो आपको बहुत ही सस्ते में पढ़ने का मौका मिलेगा। वो किनको मिलता है, जिनकी यार इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट वो अपलोड करते हैं एफडब्ल्यू में, यस करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उन सभी बच्चों को ट्यूशन फीस का फायदा मिलता है, यानी कि फी वेवर वाली सीट मिलती है। फी वेवर के लिए क्या होता है कि थोड़ी सी अच्छी रैंक चाहिए होती है। अगर सीएससी में किसी को फी वेवर सीट चाहिए होगी तो 82,000 के अप्रोक्सीमेटली अगर आपके हैं तो आपको फी वेवर की सीट मिल जाएगी। अगर आईटी ब्रांच की बात करूं तो 85,000 तक है तो आपको देखने को मिल जाएगा फी वेवर वाली सीट। एंड अगर ईसी की बात करूं तो ईसी 1,29,000 तक आपको फी वेवर की सीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कट ऑफ क्लियर हो गए होंगे, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पूछ सकते हो। अब इस कॉलेज का मेन चीज आ जाता है, दैट इज योर प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि यार मेरे को प्लेसमेंट मिलेगी क्या, और मिलेगी तो कितने तक की मिल जाएगी। देखो यार अभी आपका बताऊं तो सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट गया है दैट इज योर 47 लाख का, ठीक है, हाईएस्ट पैकेज गया है इस कॉलेज में, वो भी कॉलेज के अंदर है, ये ऑफ कैंपस की बात नहीं है, कॉलेज के अंदर 47 लाख, 40 लाख, 35 लाख, 25 और 25-20 लाख में तो 8 से 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स दे रहा है ये कॉलेज, प्लेसमेंट्स के मामले में, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं ना, आरओआई, दैट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना फीस लगाया उसके बाद जो कॉलेज से मिला, इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना आपको ब्रांचेस सीएससी वाली ही लेना, ओके। और अगर एवरेज की बात करूं, ठीक है, तो सीएससी वाली ब्रांचेस अगर लेते हो, अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यहां तक ईसी तक लोगे ना, एवरेज आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, दैट इज यार 6.3 लाख पर एनम का, तो दैट इज अ वेरी डिसेंट प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं दूसरे कॉलेजेस इसी के कंपैरिजन में, वहां से भी अच्छा निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट के मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है, कैंपस लाइफ भी अच्छी से मिल जाती है आपको इस कॉलेज में। अगर बात करें इसके बाद स्पोर्ट्स की या कुछ फैसिलिटीज हैं इस कॉलेज के अंदर, जिम विम है कि नहीं, यस दे हैव प्रोवाइडेड अस, यार ये सब चीजें हैं। स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में आपको टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो हर तरह के गेम्स जितने हो सकते हैं वो इन्होंने कोशिश किया है कि प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि बच्चा जो है उसको यार बस पढ़ाई और ये चीज नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज के लिए इन लोगों ने कर रखा है, ठीक है, जिम भी प्रोवाइड इन लोगों ने किया है अपने कॉलेज के अंदर, ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। ऑडिटोरियम भी है इस कॉलेज में, तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अब थोड़ा सा बुरा बात भी कर लेते हैं, हर चीज तो अच्छी नहीं होती ना। देखो यार बुरी चीजें क्या है, अगर आप लोअर ब्रांच लेते हो तो प्लेसमेंट नहीं होगी। दूसरा चीज क्या है कि स्ट्रिक्टनेस है,
ठीक है, स्ट्रिक्टनेस का मेरा मतलब क्या है, अटेंडेंस का चक्कर आपको रहेगा, ठीक है, अगर आप अटेंडेंस नहीं पूरा करके जाओगे तो फिर आपके पेपर में बैठने नहीं देते, ऐसा सब सीन कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज आपके साथ रहेगी, आपको थोड़ा ज्यादा असाइनमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, खाली टाइम आपके पास ज्यादा नहीं रहेगा, मेन कहने का मतलब ये है। तो ये कहीं तक अच्छा भी होता है, थोड़ा बेकार भी। अच्छा किस सेंस में मैं बोलूं कि हाँ, बच्चे के ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं अपना अच्छा करूं, खुद थोड़ी मेहनत लगाऊं, लेकिन अगर अच्छा बेकार इसमें क्या है, बेकार यही है कि वो आगे अलग कुछ नहीं कर पाएगा, उससे हटके नहीं कर पाएगा। और मैंने जैसा बोला कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, तो अच्छी किस सेंस में, अगर आप खुद भी मेहनत करते हो, खुद भी उसके लिए जाते हो, ये नहीं कि आप बस गए मौज मस्ती काट रहे हो 3-4 साल फिर सोचोगे प्लेसमेंट, दैट इज नॉट, ये नहीं हैपन होने वाला, ठीक है ना। होप सो कि आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी जीएल बजाज के बारे में, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर लेना जितने बच्चों को बाय करना है, क्योंकि इसके प्राइजेस बढ़ाने वाले हम लोग, क्योंकि हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी यार, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से जाके कर लो, और जो बच्चा जल्दी से ज्वाइन करेगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।